चांद पर अंगद की तरह पांव जमाए अपने लैंडर विक्रम ने बीती रात एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों 14 दिन तक लगातार चांद की सतह से डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही चांद की सतह पर खड़ा लैंडर विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद की सतह पर उड़ने लगा। लैंडर विक्रम का यह नजारा देख इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखते। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वो सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने यहाँ पर आज तक कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। लेकिन भारत ने तो अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। दरअसल 14 दिनों तक चांद की सतह पर परीक्षण करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे। इसी दौरान विक्रम लैंडर के साथ ऐसी घटना हुई कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा लैंडर विक्रम अचानक ही उड़ने लगा। इसरो ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें विक्रम चांद की सतह पर उड़ता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह उड़ने लगा। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूरज निकला था जो अब ढलने लगा है और अब वहां पर रात होने वाली है। आपको बता दूं कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगी हुई है जो सोलर पैनल से चार्ज होती है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल द्वारा बैटरी चार्ज हो रही थी, जिससे रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर लगातार चांद पर रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर से निकलने के बाद 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की है। इस 100 मीटर की दूरी में ही रोवर ने चांद की सतह से ऐसे राज खोल दिए हैं जिनको देखकर दुनिया भी हैरान है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस और अमेरिका ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। अब चांद पर रात हो रही है तो रोवर और लैंडर के सोलर पैनलों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क करके छोड़ दिया है। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डालने लगे, तो लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ, किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दरअसल अभी विक्रम लैंडर में काफी फ्यूल है और बैटरी भी फुल चार्ज है। रात को 2 बजे जब विक्रम को स्लीप मोड में डाला जा रहा था,
तब देखा कि उसकी सभी बैटरी फुल चार्ज हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। विक्रम के थ्रस्टर ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंड करा दिया गया। ये एक तरह से चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग कराना जैसा था। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए। अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इसरो ने शेयर किया है, जिसमें आप विक्रम को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि जब चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था कि अपना विक्रम लैंडर एक बार नहीं बल्कि 2 बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे के मिशनों में चांद से धरती पर वापस यान को ला सकेगा। फिलहाल यह टेस्ट सफल रहा और इससे वैज्ञानिक काफी खुश हैं। लैंडर विक्रम की ये उड़ान इसरो के लिए ये इस तरह काम आ सकती है, जैसे अगर भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाए या कोई ऐसा मिशन भेजा जाए जिससे चांद के सैंपल लेने हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पर लैंडर को पहुंचाया जा सकता है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम की इस सफल उड़ान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। इस उड़ान के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब चंद्रयान 3 का क्या होगा? क्या वो चांद की सतह पर ऐसे ही सोए रहेंगे? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। अब इसका वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि चांद पर रात होने लगी है। अब 14 दिन बाद फिर चांद के साउथ पोल पर 22 सितंबर को दिन होगा और सूरज की रोशनी रोवर और लैंडर पर पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी रोवर के सोलर पैनल तक पहुंच जाएगी, तो इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक उसे सिग्नल भेजेंगे। दोस्तों, रोवर के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक रिसीवर को चालू रखा गया है। यह रिसीवर 22 सितंबर को इसरो के द्वारा भेजे गए सिग्नल को अगर रिसीव कर लेते हैं, तो इनके फिर से जागने की संभावना है। दोस्तों, चांद की सतह पर रात के समय तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ज्यादा ठंड में रोवर और लैंडर के उपकरणों के खराब होने का डर बना हुआ है। अधिक ठंड में बैटरी भी खराब हो सकती है। ऐसे में 22 सितंबर को इसरो के सिग्नल रोवर और लैंडर रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये दोनों एक बार फिर जाग जाए और दोनों को काम करने के लिए 14 दिन अधिक मिले। अगर ऐसा नहीं होता है, तो विक्रम और प्रज्ञान हमेशा ही चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं, तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस समय रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद की सतह के सबसे डरावने दक्षिणी ध्रुव पर गहरी नींद में सो रहे हैं। उनका कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है और न ही इसरो से उन्हें कोई सिग्नल भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के लिए यह आखिरी परीक्षा है, जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा। लगभग 14 दिनों तक आराम करने के बाद देखते हैं आखिर क्या होता है। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े, तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।